हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अरुण गुप्ता का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी सीरीज सीबीटी 2 का एक और महत्वपूर्ण वीडियोस। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का उठ रहा है कि साइंस जो है सीबीटी 2 में, उसमें क्या क्या टॉपिक है, उसको कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसका क्या वेटेज रहेगा, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, तो तमाम बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और एक चीज़ को जानते हैं। और कॉपी में पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन से लिख लीजिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ वो है आपकी जो नोटिफिकेशन, जो मैंने इसका प्रिंटआउट लिया हुआ है उसके आधार पे कर रहा हूँ। और जो है यहाँ पर इसमें पेज नंबर 10 जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे, पेज नंबर 10 में यहाँ पे सी में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम से, ठीक है, यहाँ पे आप खुद भी इसको देख सकते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम से इसको टॉपिक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है और इसमें जो जो टॉपिक साइंस में कवर किए गए हैं वो क्या क्या है। द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो है, प्रोडक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और आपका ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये इसमें है। फिर है इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर थर्ड है इसमें आपका मास एंड वेट एंड डेंसिटी, फिर है वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी। तो ये चैप्टर्स हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की क्या रहेगी वो समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो ये आपका डेढ़ घंटे का पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर ये आ रहा है आपका, ठीक है। पार्ट ए के अंदर कितना टाइम मिल रहा है आपको, 90 मिनट, मतलब डेढ़ घंटा मिल रहा है। क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अब इस 100 क्वेश्चन में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है और आपका करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस होती है, इसको मैं जीके लिख देता हूँ, करंट अफेयर लिख देता हूँ ये, ठीक है। मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर वाला जो पार्ट है। अब इसकी क्या वेटेज होने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कई स्टूडेंट्स, पहली बात तो समझिए कि इसका टोटल मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट, डेढ़ घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये बताइए कि मैथ्स के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, साइंस में कितने आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे जीके में। तो ऐसा कोई भी आधिकारिक जो है डेटा अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया गया है, पर जहाँ तक इसमें मेरा अनुमान है उसके अकॉर्डिंग सीबीटी 1 में मैथ्स, साइंस, रीजनिंग पूछी थी इन्होंने, पर इसमें जो डिफरेंट जो है वो साइंस वाला पार्ट है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इसमें 40 से लेके 50 तक का आंकड़ा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जा सकता है। 50 मैक्सिमम है, 40 मिनिमम है, तो मतलब 40 समथिंग का जो वेटेज रह सकता है वो साइंस अकेले का रह सकता है। अब इसमें जो साइंस है वो कौन सी साइंस है वो समझ लो। तो मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ इसमें। तो ये तो मैंने आपको कोर्स लिखाया था, भी ये कोर्स है और ये हमारी जो ब्लॉग मैंने आपको बताया था ना, इस डिस्क्रिप्शन में मैं इस ब्लॉग को लिख दूंगा। अब मेन बात मेरी समझ लो, क्या क्या चीज़ मैं आपको समझनी है आपको वो समझ लो, पॉइंट्स में मैं लिख देता हूँ मैं। तो कई बच्चे ये पूछ रहे कि जो साइंस है इसका वेटेज बताओ साइंस का। तो साइंस का कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, पर जहाँ तक हमारा अनुमान है 40 से 50 आपकी साइंस आ सकती है। पहली बात हो गई हमारी। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये रहेगा कि इस साइंस में क्या सर बायो भी आएगी, क्या फिजिक्स भी आएगा, क्या केमिस्ट्री भी आएगा, जो हमने सीबीटी 1 में पढ़ा था वो सब इसमें आने वाला है, उस टाइप के क्वेश्चन। तो मेरा उत्तर है नहीं,
ठीक है। तो सर इसमें आप जो बोल रहे हो वर्क एंड एनर्जी, आप सर बात कर रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मैंने बीटेक किया हुआ है जैसे, तो क्या मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बीटेक वाली आएगी, इसमें जो मास डेंसिटी लिखा हुआ है क्या ये 9th क्लास की आएगी या 11th क्लास की आएगी, ये कहाँ से लिखा गया है, क्या चीज़ है ये, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। समझिए बात को, देखो स्टूडेंट्स इस बात को समझिए कि रेलवे जो ये एग्ज़ाम है किनके लिए करवा रही है, मेनली आईटीआई स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करवा रही है। मेन उनका टारगेट क्या है, आईटीआई स्टूडेंट्स को वो लेना चाह रही है या फिर उनके लिए ये पद निकाले जाते हैं। तो इसमें वो जो सिलेबस फॉलो कर रही है वो आईटीआई का सिलेबस फॉलो कर रही है, और ये जितने भी चैप्टर्स के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, तो एक बुक तो मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग की है अलग है, एक बुक मैं आपको ये आईटीआई लेवल की बुक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें जो चैप्टर्स है इसमें कुछ तो मैथ्स का पार्ट है और कुछ जो साइंस के पार्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, वो मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे पास में है, वैसे अरिहंत की बुक है, आप लोग भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप रेफ़र कर सकते हो। इसका नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रिकल का है पर ये कॉमन ही रहता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कॉमन ही रहता है सभी ब्रांचेस में। तो आप इसमें सुन लो कौन कौन से चैप्टर्स है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, उसके बाद में द्रव्यमान भार व घनत्व जो आपके सिलेबस में आ गया डेंसिटी वाला, थर्ड है चाल एवं वेग आ गया आपका स्पीड वेलोसिटी वाला, वो भी एज इट इज आ गया, फिर है वर्क कार्य शक्ति और ऊर्जा वर्क पावर एंड एनर्जी वो भी आ गया, फिर है आपका पदार्थ विज्ञान मटेरियल साइंस, वो इसमें लिखा नहीं था इसमें पर इसमें साइंस में है, मे बी इससे क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसमें विद्युत है, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी, फिर है आपका ऊष्मा व तापमान हीट एंड टेम्परेचर वो भी इसमें है, फिर जो है सिंपल मशीन्स जो इसमें है, ठीक है, मतलब कोर्स में जो आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है, फिर इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस जो है इसका फॉलो होगा, किसका फॉलो होगा, जो DGET सिलेबस में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप देखना, आप ये लिखो, आप ये लिखो DGET सिलेबस, नेट पे खुद सर्च कर लेना इसको DGET सिलेबस, और आप लिखना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो आपको खुद ही मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये जो बुक है जैसे अरिहंत है कोई भी पब्लिकेशन है इसकी आप बुक ले सकते हो, वहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने मास डेंसिटी वॉल्यूम के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं इसको जो बेसिक फॉर्मूले अगर मैं याद करके चले जाऊँ एग्जाम में चले जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही मैंने वर्क एनर्जी पढ़ा हुआ है 11th में, तो मैं क्यों अलग से पढ़ूँ, मुझे तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मैं अपनी 11th की बुक पढ़ लूँगा तो दैट वुड बी इनफ, बट दिस इज़ नॉट द वे, बिकॉज यहाँ पे चीज़ डिफरेंट है। और पहले मैं भी ये सोच रहा था कि ये सेम ही होगा पर ये सेम नहीं है, अगर आप ये बुक उठा के देखोगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो एकदम अलग आएंगे। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैं देखो स्पीड एंड वेलोसिटी में तो तब भी सेम है, पर आप इसके क्वेश्चन देख लो, आप इसके जैसे घनत्व वाले क्वेश्चन देख लो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे 11th क्लास में या फिर अपने रेगुलर क्लास में नहीं मिलेंगे, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के हिसाब से है। जैसे कि तीन द्रव जिनके घनत्व डी 2D एवं 3D है भार के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं, मिश्रण का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, वीडियो आपका देखा होगा, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता, उस पत्थर का भार क्या होगा जिसे वह व्यक्ति पानी की सतह के अंदर उठा लेगा, पत्थर का अपेक्षित घनत्व तो 2.5 है। सोने और चांदी से मिलकर बने एक टुकड़े का भार 20 ग्राम है तथा अपेक्षित घनत्व 15 है, यदि सोने का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 19.3 और चांदी का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 10.5 हो तो टुकड़े में सोने का भार बताओ। तो इस टाइप के जो सवाल है वो एकदम डिफरेंट है। अच्छा वर्क एनर्जी में आप सोच रहे होंगे 11th 12th की फिजिक्स आएगी, ऐसा नहीं है, इसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैं डिफरेंट है क्वेश्चन, देखो जैसे ये क्वेश्चन लो आप, उस पंप सेट का डिस्चार्ज ज्ञात कीजिए जिसका इंजन 10 HP का है और वह 15 मीटर की गहराई से 1 घंटे तक पंपिंग करता है, मान लो सेट की दक्षता 85% है, ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस है। और मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं,
एक 320 मीटर गहरी खान से 250 टन कोयला प्रति 30 मिनट उठाने वाली मोटर को के एचपी ज्ञात कीजिए। मोटर की दक्षता 0.8 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है काफ़ी डिफरेंट है। मे बी आप दिमाग लगा के कैसे न कैसे बेसिक सोच सोच के आप सवाल को सॉल्व कर लो, बट दैट इज़ नॉट अवर मोटिव। अवर मोटिव एग्जाम क्लियर करना, ठीक है। तो अगर आप इसके थ्रू पढ़ोगे, इस जैसे सवाल करोगे, तो आप एग्ज़ाम में एक एडवांटेज आप लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि आपको फॉलो क्या करना है सिलेबस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारा जो ब्लॉग है उसमें भी हमने लिखा हुआ है, और सवाल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमारे वीडियो लेक्चर में हम करा ही रहे हैं आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपने मेरे डेमो वीडियोस देखे होंगे, और घनत्व वाले सवाल, डेंसिटी वाले सवाल मैंने लिए, तो एक बार आइडिया आप लगा सकते हो। और बेसिक जो हमारा पूरा कोर्स है उसको आप कर जाओ, जिसमें थ्योरी भी हमने अच्छे से पढ़ाई है और सवाल भी कराएं, तो ये साइंस वाला पार्ट आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये बात समझ गए मेरी कि DGAT सिलेबस का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है वहाँ से ये उठाया गया। ये 11th 12th की फिजिक्स नहीं है, बीटेक वाले और 10+2 वाले ध्यान दें, और ITI स्टूडेंट है जिन्होंने भी ढंग से अपनी पढ़ाई ITI की नहीं करी है वो भी ध्यान दें। ये DGAT सिलेबस आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का वहाँ से ये जो है उठाए गए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, तीन बात हो गई। चौथी बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, इसमें चौथी बात मेरी ये है कि ये रैंक डिसाइडर होगा। क्या होगा ये? रैंक डिसाइडर। अभी कई बच्चे बोलते हैं सर टेक्निकल जो पोर्शन है, पार्ट बी है, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको तो क्वालिफाई करना है 35% मार्क लाने। पर मैं यहाँ पे कह दूँ कि अगर आप वो नहीं लेके ला पाए तो ये मेहनत भी आपकी बेकार जाएगी। तो इसलिए उसको तो आपको क्लियर करना ही है, उसको आप हल्के में ना लें। और जो आपकी रैंक बनेगी वो किससे बनेगी? वो बनेगी पार्ट ए से। और पार्ट ए में 40% तक का साइंस का पार्ट कवर कर सकता है, मैक्सिमम 50 भी जा सकता है आंकड़ा, पर 40% तक तो होगा ही होगा साइंस वाला पार्ट। और यही करेगी आपकी रैंक डिसाइड, यही करेगी रैंक डिसाइड आपकी। अभी CBT 1 में आप जो आसान आसान हलवा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं है। ये चीज़ एकदम अलग है, वो था सिलेक्शन का फिल्टर का छलनी था। अब जो असली कंपटीशन होगा CBT 2 में होगा, और CBT 2 में जो क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो आपकी जो 8th 9th 10th की जो साइंस है ना उससे नहीं पूछा जाएगा। ये ITI का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का होता है ना वो पूछा जाएगा, और उसमें लेवल ठीक ठाक लेवल है। और जो 11th और 12th की फिजिक्स है उससे इसका कोई सरोकार नहीं है, थोड़ा सा बहुत है, और क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू द DGT सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस ITI के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो BTEC स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ध्यान दें, जो 10+2 के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दें, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी अलग है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जैसे पंप सेट है, उसकी एफिशिएंसी दे दी, उसकी HP दे दी, और डिफरेंट है क्वेश्चन, समझ रहे। आप खुद एक बार उसको देखोगे सिलेबस को, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ आपकी रैंक डिसाइडर है, इसलिए ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ये मेरी मेन बातें थी, वो समझ गए। कोर्स जो था सिलेबस वो मैंने आपको इनिशियल बता दिया था, बाकी जो हमारा ब्लॉग है उस पर आप जा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ चीज़ें ये है कि आप जो है हमारे चैनल जो है जानते हो YouTube थ्योरी टू प्रैक्टिकल, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम CBT 2 के लिए जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वीडियोस बना रहे हैं और सबसे अच्छा जो काम कर रहे हैं और अच्छा पुख्ता तैयारी जो करवा रहे हैं, तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के वीडियोस बहुत हेल्पफुल है, तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ भी इंक्वायरीज़ के लिए 8003378523 हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम, एग्ज़ाम और सिटी, आपका नाम मान लीजिए अर्जुन है और आपका एग्ज़ाम CBT 2 RRB लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, और सिटी मान लीजिए भिलाई के, तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है हमको भेजें, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। बाकी एक पेज है हमारा CBT 2 के लिए समर्पित डेडिकेटेड, उसका लिंक है, उस पर क्लिक करो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो हम लोग अपडेट करते जाएंगे, आप YouTube में लिखते जाइए ये हमारे डाउट्स हैं, और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आज भी सिलेबस सब उसमें अपलोड हो रहा है, तो कीप विजिटिंग दैट पेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ गए, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ लगे हाथ, और देखते कितने बच्चे इसका जो है जवाब दे पाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, घनत्व से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ हम समझ गए तो ये बातें भी हो गई थोड़ी और थोड़ा काम भी हो जाए। देखते कितने स्टूडेंट्स इसका हल दे पाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है आपका कि तीन लिक्विड्स है जिनकी डेंसिटी है, थ्री लिक्विड्स है उनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, डी, टू डी और थ्री डी, ठीक है, और भार के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं। ये भार के समान अनुपात में ये मिलाए जाते हैं, तो इक्वल रेशो में इसके वेट इसके मिलाए जाते हैं। मिश्रण का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, ये भार के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं, मतलब कि जितनी डेंसिटी है उसी रेशियो में इनके वेट भी हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका W वेट, इसका 2W लेंगे, इसका 3W लेंगे, तो हमको बताना है इस मिक्सचर का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा इस मिक्सचर का। और ऑप्शन है आपका पहला 11D डिवाइडेड बाय 7, ऑप्शन बी है हमारा 18D बटा 11, और ऑप्शन सी हमारा 13D डिवाइडेड बाय 9, 13D डिवाइडेड बाय 9, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी है हमारा 23D डिवाइडेड बाय 18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और अगले कुछ वीडियोस में मैं इसको कराऊंगा आपको सॉल्व इसको, तो इसको बनाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए मेरी बात, क्या मैं कह रहा था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उस वाली नहीं आ रही है, आपकी रैंक डिसाइड करेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि 40% तक आ सकता है और ये रैंक डिसाइडर एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके जो फॉलो क्या हो रहा है, DGET सिलेबस हो रहा है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग थ्योरी टू प्रैक्टिकल इज प्रोवाइडिंग, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी कंप्लीट तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, और हमारा जो पेज है जो इस डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें आप क्लिक कर दीजिए। बाकी मैंने आपको ये सवाल दे दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे। कई बच्चे लिखते हैं, कई बच्चे नहीं लिखते, कई बच्चे ट्राई करते हैं, कई बच्चे ट्राई नहीं करते, तो ट्राई सभी को करना है, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई तो ज़रूर मानना है आपको, ठीक है। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं ज़रूर बताएँ। ओके। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन।